हेलो फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। अनइवन बॉडी पार्ट को इवन कैसे करें, आज उस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, काफी सारे लोगों का कमेंट आया था इसके ऊपर कि अनबैलेंस अनइवन जो है हमारे शोल्डर, चेस्ट, लेग्स, आर्म्स, तो उसके बैलेंस कैसे करें। गाइस, वेरी सिंपल, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, समझो आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो और आपका चेस्ट एक बड़ा एक छोटा है, ये सबसे कॉमन है, सबका रहता है, मोंटो का भी है, मेरा भी है, हमारे कैमरामैन का भी है जो भी काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसे करना क्या है गाइस, वेरी सिंपल, आपको अलग से एक सेट लेना है, एक डंबल्स लेना है और डंबल्स का प्रेसिंग मूवमेंट सिंगल हैंड लगना है, सिंगल हैंड का आपको प्रेसिंग मूवमेंट करना है अलग से। अगर आपका शोल्डर अनइवन है तो डंबल्स लेके जो है आपको सिंगल हैंड डंबल्स ओवरहेड आपको एक अलग से उसका सेट माना पड़ेगा, एक सेट, दो सेट, इतना दो सेट तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका बाइसेप्स कमज़ोर है तो वो पार्ट का जो है आपको बाइसेप्स का वर्कआउट करना है, ट्राइसेप्स कमज़ोर है तो ट्राइसेप्स का करिए। और गाइस, जिनका लेग्स जो है वीक है तो वो लेग्स का जो है लंजेस वगैरह कर सकते हैं, सिंगल लेग अपना स्क्वाट्स कर सकते हैं सिंगल लेग पकड़ के, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना। अगर जो जिम जा रहे हैं तो लेग प्रेस कर सकते हैं सिंगल लेग अपने मशीन पे, लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग अगर वीक है तो लेग कर्लिंग कर सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह से आप जो है उसे ट्रेन कर सकते हैं, अलग से आपको अलग से उसके लिए सेट देना पड़ेगा तो ही वो इवन होगा, और इतना इवन इतना जल्दी नहीं होगा, आपको उसके लिए वर्क देना पड़ेगा 2 से 3 महीने तो ही आपके जो है प्रॉपर रिजल्ट आएगा। ये गाइस ये वेरी कॉमन है, जो राइटी है उनका राइट हैंड स्ट्रांग रहता है, जो लेफ्टी है उनका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा करके वही हाथ यूज़ करते हैं हर एक काम करने के लिए, जो भी काम है, उठने के लिए, बैठने के लिए। दूसरा जो हमारा वीक हैंड है वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये वेरी कॉमन है, क्योंकि जो है हमारा स्ट्रांग हैंड हम पहला कभी भी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रांग हाथ जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, जो वीक हैंड जो है वो वीक रह जाता है। तो उसे आपको अलग से ट्रेन करना पड़ेगा उसे प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए। सो गाइस, मैं और एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी बॉडी अनइवन है स्क्वाट्स में, चेस्ट में, फॉर एग्जांपल शोल्डर में या कहीं पर भी, तो गाइस आप जो है बारबेल यूज़ मत करिए जिम में, क्योंकि बारबेल में क्या होता है, मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब भी आप पुश करते हो, जब आपका वीक हैंड नीचे आ जाता है लेकिन आपका राइट हैंड जो है जो स्ट्रॉन्गर है वो पुश कर देता है ऊपर, और जो वीक हैंड जो है वो भी ऊपर ले आता है, तो मतलब आपका राइट जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि यहीं से पुश मिला हुआ है। लेकिन अगर आप डंबल से यूज़ करें तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि आपका कहाँ पर वीक है, जो राइट हैंड जो है उठ जाएगा, लेफ्ट हैंड जो नीचे जाएगा। वेरी सिंपल, आपने 3 सेट मार लिए, अगर चेस्ट प्रेस डंबल रख के एक छोटा डंबल लेके कहीं पर होल्ड करके उसका एक एक्स्ट्रा सेट मारिए आप, एक एक्स्ट्रा हर एक में, या मशीन है तो मशीन का एक एक्स्ट्रा सेट मारिए, अगर आप फ्लाई मार रहे हैं तो फ्लाई का एक एक्स्ट्रा सेट मारिए। सर, तो हमारे व्यूअर्स को कितने दिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि अनइवन से इवन होने के लिए, अगर ये वर्कआउट करते हैं तो कितना टाइम लग सकता है? एटलीस्ट 3 से 6 महीने, क्योंकि स्ट्रेंथ भी डेवलप होने को टाइम लगता है आपके वीक हैंड में। आपको डंबल मूवमेंट ज़्यादा करने हैं आपके वीक हैंड पे, बारबेल आप कम करिए, क्योंकि बारबेल का एक रीज़न है कि आप जो है अपना स्ट्रॉन्गर को और स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं और वीक को वहीं पर रहने दे रहे हैं। तो आप डंबल यूज़ करिए, आपको आपका स्ट्रेंथ पता लग जाएगा, और प्योर प्रॉपर फॉर्म मारिए, और वेट्स भी आपको थोड़ा सा हैवी लेना है सिंगल के लिए, जितना आपको सिंगल हैंड में जो है आप पुश कर सकते हो तो उसके हिसाब से आपको चलना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सतीश भाई, मिस्टर एडिटर, क्या आप वो डंबल लेके आ सकते हैं? दोनों? हाँ, दोनों ले आइए। मैं भी थोड़ा फुटेज खा लूँ। ये देखिए 2.5 किलो का डंबल है, समझो ये आपने पुश किया ऊपर, लास्ट में क्या होता है, आपका जो वीक हैंड है अगर उसकी क्षमता 12 रेपिटेशन की है, आपकी स्ट्रांग की जो है क्षमता 15 रेपिटेशन की है, तो ये 12 में अटक जाएगा, ये तो अपना स्ट्रेंथ पूरा लगा ही रहा है। वर्कआउट रख दीजिए, डंबल्स रख दीजिए, पकड़ो हाथ पीछे या कहीं का सपोर्ट लेके लिफ्ट करके उसको एक एक्स्ट्रा सेट करिए, उसको इवन करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए, और अपना जो लेफ्ट हैंड जो है, जो वीक हैंड है, जो समझो मेरा है, कहीं पर भी उठने बैठने के लिए, वर्क करने के लिए, बाल्टी उठाने के लिए आपका वीक हैंड जो है आप यूज़ करना स्टार्ट करिए, तो ही वो इवन होगा, नहीं तो वो अनइवन ही रहेगा। और मेरी बातों को आप हवा में मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है काफ़ी सारे लोगों से, मैं 13 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, जिसने मेरी बात मानी है उसको रिजल्ट आया, जिसने नहीं मानी उसको नहीं है। वेरी सिंपल, आप लोगों को पता लग गया होगा
कि अनबैलेंस बॉडी को बैलेंस कैसे करना है, सिर्फ बोलना नहीं है आपको करना भी है। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, बाकी की चीज़ें आप सवाल नीचे लिख सकते हैं और आपके जो और सवाल है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। सो गाइस, हमारा जो मेरा जो न्यू चैनल जो है खुद का स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो हरमीत बमरा .15fitness, तो गाइस उसको भी आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वीलॉग्स वगैरह, कार्डियो करते समय वीलॉग्स, एवरीथिंग, डाइट वाइट एवरीथिंग जो है मैं उस पर पोस्ट करते रहूँगा, आप वो भी इंजॉय करोगे। फिटनेस फाइटर्स भी है और बस हमें आपका प्यार चाहिए, लाइक चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सब तो मैंने बोल दिया, मोंटू कुछ बोलना चाहोगे? सब तो आप ही बोल दिए, मैं क्या बोलूँ। ओके गाइस, स्टे फिट एंड स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।